फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टूडियो स्टूडियो विद एक्सरसाइज 7.5 ऑफ मैथ्स आई एंड लर्निंग बुक 3 वाइज ट्रेडिशन। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा एक्सरसाइज 7.5 है। सो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने है। अगर मार्केटिंग प्राइस जो कि मैक्स रिटेल प्राइस होता है एक चीज के लिखा होता है उसका है ₹500 एंड सेलिंग प्राइस है ₹475। सो हमने फाइंड कर रहे हैं डिस्काउंट परसेंट। सो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने का क्या मेथड होता है हमारा परसेंट फाइंड करने का हमारा मेथड होता है डिस्काउंट अपॉन MP मतलब कि मार्केटिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। सो आप देख सकते हैं डिस्काउंट जो कि होगा अकेला डिस्काउंट फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है MP माइनस SP जो कि कितना देगा 500 माइनस 475 जो कि देगा 25। सो डिस्काउंट की जगह पर आएगा 25 सबसे पहले। तो हम फाइंड करें डिस्काउंट परसेंट। सो डिस्काउंट की जगह पर 25 एंड नीचे MP मार्केटिंग प्राइस कितना है 500। ओके सो उसके बाद हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जीरो को जीरो के साथ काट देंगे 5 को 25 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 5। सो 5% है हमारा डिस्काउंट। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा वी पार्ट है। सो जैसे कि अब मार्केटिंग प्राइस है वो है ₹2050 एंड हमारा सेलिंग प्राइस है ₹2000। सो हम सबसे पहले हम डिस्काउंट पता करेंगे डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए। सो डिस्काउंट हम कितना लिखेंगे ₹2050 में से हम माइनस कर देंगे ₹2000 जो कि कितना हो जाएगा ₹50। मतलब कि हमारा जो डिस्काउंट परसेंट है वहाँ पर ऊपर आएगा 50 एंड नीचे हमारा मार्केटिंग प्राइस आएगा जो कि है ₹2050। सो हम 50/2050 लिख लेते हैं। उसको हम मल्टीप्लाई कर देना है हमने 100 के साथ। सो चलिए ये जीरो इसके साथ कट जाएगी और उसके बाद देखो अब हम आगे करेंगे क्या कि जो 50 को मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे हमारा कितना आ जाएगा 500/205। अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारा आएगा 2.43%। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो एक डीलर ने ऑफर करता है डिस्काउंट 25% हर एक इलेक्ट्रिकल चीज़ पर गुड्स पर उसके शोरूम में। सो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है उस जो कि हमारा स्टीम आयरन अगर किसी ने खरीदी ₹1600 की। सो लेट्स डू इट। सो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स जो कि कितना है वो है 25%। अगर आप हमने लिखना है मार्केटिंग प्राइस ऑफ आयरन जो कि है ₹1600 एंड उसके बाद अब हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस जो होगा डिस्काउंट के साथ वो हम कैसे फाइंड करेंगे जो हमारा इतना था 1600 अपॉन मतलब कि मल्टीप्लाई 25/100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले हम इन दोनों को कर देंगे 16/25 कितना हो जाता है वो जाता है 400। अब देखो 400 जो है अब हम 400 की वो मतलब कि सेलिंग प्राइस तो 400 होगा नहीं तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें MP जो कि है यहाँ पर डिस्काउंट आना चाहिए। बाय द वे ये डिस्काउंट हुआ है सो MP माइनस डिस्काउंट होता है हमारा SP MP माइनस डिस्काउंट। इस तरीके से आ जाता होता है हमारा SP। सो अब हम क्या करेंगे MP जो है वो कितना था 1600 एंड डिस्काउंट है वो है 400। सो अगर हमने इसको कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। सो वो आयरन स्टीम मिलेगी ₹1200 की। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है।
सुरहमान ने एक वॉच ली एक सेल पर रुपीज 7290 की, और उसको डिस्काउंट जो था वो मिला 10%। सो हमने मार्केटिंग प्राइस फाइंड करनी है उस वॉच की। सो हम फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच। वॉच की सेलिंग प्राइस कितना था, रुपीज 7290। सो अब डिस्काउंट कितना हो चुका था, डिस्काउंट परसेंट जो कि था हमारा 10%। अब एमपी जो है हमारा मार्केटिंग प्राइस वो हम ले लेते हैं एक्स। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हम एमपी माइनस एमपी मल्टीप्लाई 10/100 कर दे। सो हम वैसे ही करेंगे, बस एमपी की जगह पर एक्स लिख देंगे। एंड यहाँ पर जो कि ये कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स में से एक्स माइनस किए कुछ भी नहीं बचा। सो यहाँ पर एक्स मतलब कि ये सबसे पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10x आ गया। सो एक्स में से अगर हमने 10x माइनस कर दिए सो यहाँ पर आ जाएगा नीचे हमारा 100 आएगा। 100 को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ हमारा आ जाए 100x माइनस 10x अपॉन 100x अपॉन 100 अकेला। सब देखो इस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 90x आ चुका है हमारे पास, 90x अपॉन 100। सो ये इसके साथ कट जाएगा, 9/10 ऑफ एक्स होगा हमारा यहाँ पर। सो जो कि कितना है 7290। सो अब देखो एक्स अकेला फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये उधर वाली साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 7290 मल्टीप्लाई 10/9, दोनों के नीचे ही आ जाएगा 9। सो 9 को हम कर देंगे इसके साथ जो कि ना जाएगा 810 के ऊपर, एंड यहाँ पर आ जाएगा 8100। सो इस वॉच का मार्केटिंग प्राइस है 8100। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन में राहुल ने परचेज किया एक ग्लास का टेबल रुपीज 10,000 में, एक उसने डिस्काउंट लिया 20%, एंड अगर 12% GST चार्ज हो जाता है। सो हमने उस जो कि राहुल को पे करना पड़ा मनी वो हमने फाइंड करनी है। सो अब देखो जो कि मतलब कि 10,000 था वो बिना डिस्काउंट के था। सो अब हम करते हैं जो मार्केटिंग प्राइस है वो कितना है हमारा 10,000। वेट यस, सो अब मार्केटिंग प्राइस है वो है रुपीज़ 10,000। सो डिस्काउंट है हमारे पास 20%, अब जो कि सेलिंग प्राइस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, जो कि हमारा एमपी मल्टीप्लाई डिस्काउंट अपॉन 100 वो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, नहीं आएगा मतलब कि वो हमने अगर हमारा फाइंड करना हो डिस्काउंट सो हमने वैसे करना होता है। अब देखो 10,000 है जो मल्टीप्लाई 20/100 कर देंगे जो कि ये इसके साथ कट हो जाएगा, 100 × 20 जो कि कितना हो जाएगा हमारा 2,000। सो 2,000 आने के बाद अब हम जो कि सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, 10,000 − 2,000 जो कि हो जाएगा 8,000। सो उसका वो वाला पड़ गया है 8,000 का, एंड 12% GST भी, अब देखो 12% GST वो कैसे फाइंड करेंगे, हम वो कर लेंगे 8,000 जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे GST% अपॉन 100 जो कि अगर इसको इसके साथ कट कर देंगे 80 × 12 कितना हो जाता है, 80 × 12 हो जाता है 9960। सो अब देखो हमारा अब क्या कर देना हमने जो कि उसको पोस्ट सेलिंग प्राइस ही कहूँगा, सेलिंग प्राइस जो उसको पड़ा वो था 8,000 + 960 जो कि था ₹8,960। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। सो अब देखो इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक आर्टिकल है जो कि मार्क किया गया है 40% उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, अब डिस्काउंट उसे मतलब कि इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो है 35% का उस मार्क्ड प्राइस पे। सो अब हमने गेन या तो गेन परसेंट फाइंड करना है या लॉस परसेंट फाइंड करना है। सो उतना तो हमें पता चल चुका है कि हमारा लॉस ही होगा। सो हम क्या करेंगे, मार्केटिंग प्राइस है जो
वो है 40% अबव सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। अब एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो कि है, हम कितना ले लेते हैं 100, ओके। एंड अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके आगे जो एमपी होगा हमारा, उसको वो क्या होगा 100 + 40 जो भी होगा 140। मतलब कि अगर हमने एसपी है जो को सेलिंग प्राइस है जो, वो अगर 100 हमने रख लिया, सो मार्केटिंग प्राइस है जो वो हो जाएगा 140। अब हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, सो टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमने फाइंड करना है, वो हमारा 35% हमें जो कि कहा डिस्काउंट कहा गया था वो है, एंड अपॉन 100 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 140 के साथ, जो कि कितना देगा कट कर इसको इसके साथ कर देंगे, एंड उसके बाद 10 को 35 के साथ ये 2 के ऊपर देगा, एंड ये देगा 7 के ऊपर, 7 × 14 एंड डिवाइडेड बाई 2 तो देगा 49, सब कुछ निकाल कर ही 49 होगा। सब देखो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, मार्केटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो कि कितना होगा 140 - 49 वो हो जाएगा 91। अब देखो लॉस कैसे फाइंड करेंगे, लॉस परसेंट उतना ही होगा जितना हमारा 100 में से ये कम होगा 91, सो कितना कम है 9%। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी हमारा 6th क्वेश्चन है, सो एक डीलर ऑफर करता है 20% डिस्काउंट उस मार्क्ड प्राइस के जो कि होते हैं, मार्क्ड प्राइस अलग होता है, 20% डिस्काउंट अलग होता है जो कि वो बाद में देता है मार्क्ड प्राइस को देखकर, एंड तब भी वो प्रॉफिट बना लेता है 25% का। इफ़ ही गेन्स 150 ऑन द सेल ऑफ हारमोनियम, अगर वो 150 हारमोनियम की सेल पर अर्न कर लेता है, सो हमने मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है इंस्ट्रूमेंट का। सो अब देख सकते हैं प्रॉफिट जो कि है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम करते थे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, जो कि कितना हो जाएगा 150 हमारा प्रॉफिट है, एंड कॉस्ट प्राइस हमें अभी के लिए पता नहीं है, प्रॉफिट परसेंट हमारा है 25%, एंड उसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सो ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे की जगह पर, ये दोनों आ जाएंगे, सो वो कितना हो जाएगा, अब देखो सीपी जो होगा हमारा वो होगा कॉस्ट प्राइस जो होगा 150 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25। अब देखो जो 25 है उसको हम इसके साथ कट कर देंगे, सबसे ज़्यादा तो ये 5 के ऊपर चलाएगा, एंड ये चलाएगा 30 के ऊपर, 5 को 30 के साथ कर देंगे, ये चलाएगा 6 के ऊपर, अब ये 6 के ऊपर चला गया, सो अब हमने 6 मल्टीप्लाई 100 कर देना, जो कि आ जाएगा 600। सो अब हमें कॉस्ट प्राइस का पता चल चुका है कि हारमोनियम की कॉस्ट प्राइस है 600। सो अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा कॉस्ट प्राइस प्लस हमारा जो होता है जितना उसने प्रॉफिट बनाया, वो है 600 + 150 जो कि हो जाएगा 750, एंड मार्केटिंग प्राइस है वो हो कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, जो कि कितना हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 20 जो कि हो जाएगा 80, यहाँ पर सीधा ही 80 लिखते हो, सो ये इसके साथ कट हो जाएगा, एंड अब 7500 अपॉन 8 होगा, जो कि कितना हो जाएगा 937.50। मतलब कि जो हमारा मार्केटिंग प्राइस है वो है 937.50। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अभी हमारा 7th क्वेश्चन है, सो एक ट्रेडर ऑफर करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 30% एंड 10%, अगर वो सेल करता है एक आर्टिकल ₹108 का, सो हमने फाइंड करना है जो मार्क्ड प्राइस हो उस आर्टिकल का। ओके सो लेट्स डू दिस ऑन आवर नोटबुक। मार्क्ड प्राइस है वो हम कितना लेंगे, मार्क्ड प्राइस हम ले लेंगे यानी एमपी हम ले लेंगे जो कि है एक्स। फर्स्ट डिस्काउंट है जो, फर्स्ट डिस्काउंट वेट अ मिनट, वो हमारा कितना होगा, वो होगा एक्स
माइनस एक्स मल्टीप्लाई 30%, क्योंकि वहाँ पर कितना और लिखा हुआ था 30%। अब देखो एक्स माइनस 30/100 ऑफ एक्स, जो कि अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा 100x-30x/100, जो कि इन सभी को मल्टीप्लाई कर 70x/100 आ जाएगा, जो कि हमने इसको इसके साथ कट कर देना है 7x। सो यहाँ पर जो कि होगा हमारा 70x तो आ चुका था, एंड जो 100 था वो पहले ही कट हो जाना था, सो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने अकेला 70x लिख देना था। ये लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ 70x लिख देना है। अब देखो सेकंड डिस्काउंट है जो सेकंड डिस्काउंट वो है हमारा 70x, वेट आप सभी को नीचे कर कर दो, 70x-70x/10/100, जो कि कितना हो जाएगा 70x-7x, जो कि कितना हो जाएगा 63x। अब देखो इतना आने के बाद अब 63x कितना हो जाएगा, वेट 63x हो जाएगा हमारा 108। सो अब x कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 108/63, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 171.40 है उसका मार्क्ड प्राइस। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर फ्रेंड्स, अभी हमारा 8th क्वेश्चन है। सो जो कि एक डिस्काउंट होता है 3% का, हर एक मार्क्ड प्राइस जो कि होगा एक ट्वाइस पर, एक ट्वाइस शॉप पर। सो कितना अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा अगर वो एक डांसिंग डॉल खरीदता है 1300 की, 1300 की। सो हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, MP जो कि होगा मार्क्ड प्राइस, वो होगा हमारा रुपीज़ 1300, एंड डिस्काउंट जो होगा वो होगा 3%। एंड अब देखो हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि हम MP मल्टीप्लाई डिस्काउंट अपॉन 100 करते होते हैं, हमारा जो कि अकेला डिस्काउंट फाइंड करने के लिए। सो ये तो हमारा डिस्काउंट परसेंट था, अब हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे, डिस्काउंट। सो अब डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, 1300 × 3/100, 0 and 0 एक दूसरे का कट जाएंगे, 13 × 3 हो जाएगा 39। सो डिस्काउंट है 39 रुपीज़ का। अब देखो अब हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, जो उसने सेल किया वो कितने का किया, वो था कि हमारा जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मार्केटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। सो जो कि कितना हो जाएगा, वो देगा 1300 - 39, जो कि हो जाएगा 1261। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाय बाय।